नमस्कार दोस्तों, बात सच है। यह चैनल हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स का बैकअप चैनल है। यह चैनल इसीलिए बनाया गया था क्योंकि हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अभी भी है, लेकिन आप दोस्तों ने इस पे इतना सहयोग दिया कि यह 17 दिन के अंदर यह चैनल मोनोटाइज भी हुआ और इसने अपने टारगेट भी अचीव किए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि ये यूट्यूब ने इस चैनल को केवल 5 दिन के अंदर समीक्षा में रखा और 6ठे दिन इस चैनल को मोनोटाइज कर दिया। तो दोस्तों, यह आपका प्यार था जो इस चैनल को इतना कामयाब बना गया। आशा करता हूँ यह प्यार आपका बना रहेगा और आपका आशीर्वाद भी और दुआएं भी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। बड़ी खबर ये नहीं है कि कराची दुनिया के सबसे बदतरीन शहरों में से एक है। जब पूरा देश ही कंगाली के लोटे पर बैठकर उड़ रहा हो, वहाँ बेहतरीन कुछ हो भी नहीं सकता। पर ये पाकिस्तान है, इस मुल्क को अपने फटे पायजामे से भीतर का मरहूम संसार नजर नहीं आता, बल्कि इसे भारत की उन्नति को देखकर अपने तहमंद को फाड़ने में अधिक सुकून मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का भारत वैर आज उसकी अवनति का ही परिणाम बन रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस बयान के बाद पाकिस्तानी तबेलों में भैंसों की जुगाली बढ़ गई है कि विराट कोहली क्रिकेट के बादशाह हैं। पाकिस्तान के वे चरमपंथी सड़कों और मीडिया पोर्टल पर आकर अपना तहमंद फाड़ रहे हैं जिनके पास दाढ़ी बनाने तक के पैसे नहीं हैं। इन्होंने टोपियां उछाली और चेयर पर तशरीफ पटक कर अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। वैसे ये इससे ज्यादा कुछ कर सकते भी नहीं है। इस देश के पास न क्रिकेटर है और न क्रिएटर, यहाँ कुछ बचा है तो ठंडन बजता खाली कटोरा। ऐसे में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था जब भारत की प्रशंसा करती है तो इनके पिछवाड़े में आग लगना स्वाभाविक है। इस देश के क्रिकेटर का ध्यान बल्ले और गेंद पर कम रहता है, पहले नमाज पढ़ने की जगह ढूंढते हैं। वैसे ढूंढनी भी चाहिए। पाकिस्तान के खटारा मदरसों से निकली यह नस्ल बाहर जाकर घास वाली जगह पर नमाज पढ़कर सुकून प्राप्त करती है। यह कहीं भी डेरा जमा सकते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड से लेकर पेवोलियन की छत पर। शायद इसीलिए आईसीसी ने इनकी हरकतों के मद्देनजर इन्हें इनके नालायक आजम वाला तमगा दे दिया, मतलब क्रिकेट के फकीर। बादशाह तो एक ही होता है और वह विराट कोहली के अलावा दूसरा फिलहाल कोई नहीं है। पर मामला तब और गंभीर हो गया जब फवाद खान भी मवाद पीड़ित नजर आया, यानी क्रिकेट ने पूरे पाकिस्तान की विकेट उड़ा दी है। फवाद खान का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी जो बलिदान बैज वाले दास्ताने पहने हैं, उन्हें पहनना गलत है। मतलब साफ है, जिस देश के लोगों को उधेड़े निकर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें धोनी के दास्तानों से ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। पर यह पाकिस्तान है, इस सदी का सबसे बड़ा भिखारी और कंगाल देश। इसके पेट से भारत नाम की मरोड़ अभी तक नहीं निकली है। पहले लगता था पीठ पर लात पड़ेगी तो कुछ अकल आएगी, पर यह देश इतना गया गुजरा निकला कि सुधरता ही नहीं। फवाद खान मंडली को लगता है कि आईसीसी भारत के हाथों बिक गया है। भारत ने अपने पैसे के बल पर उसे हाईजैक कर लिया है। इसलिए धोनी के दास्तानों पर काफी आपत्ति होने के बाद आईसीसी कार्रवाई के लिए मजबूर हुई, जबकि विराट कोहली को क्रिकेट के बादशाह की पदवी देकर पाकिस्तान के क्रिकेटर का अपमान किया गया। वैसे फवाद खान ने यह नहीं बताया कि वर्तमान में उसके मुल्क में क्रिकेट और क्रिकेटर की स्थिति बंजर जमीन में चारा ढूंढते सांड जैसी है, जिसे चारा तो दिखाई नहीं देता, झुंझलाट में सिर पटक रहा है या फिर हताश होकर नमाज पढ़ रहा है। आशा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।